वैश्यपुर के राजस्व अधिकारियों ने बड़ौदा मामले में कांग्रेसी विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ौदा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन देने के साथ मामले में श्योपुर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। राजस्व अधिकारियों ने विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। राजस्व अधिकारी का कहना है कि एक तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी विधायक बाबू जंडेल अधिकारियों के साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक से उलझते हुए तहसीलदार के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि अब उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। तो कल तहसील बड़ौदा में विधायक महोदय द्वारा आकर के और अभद्रता की गई और अश्लील जो है बातें की गई और सभी कर्मचारियों को जो है गाली गलौज किया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार आए थे हमारे राजस्व अधिकारी और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और साथ ही उन्होंने थाने में भी एक आवेदन किया है और हम अभी इसको देख रहे हैं आवेदन को और उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी।